एक आदमी तो करने के बाद ढेर हो जाता है, उसे दूसरी बार के लिए तैयार होने के लिए टाइम लगता है। किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, और किसी का होता ही नहीं है। वही जो स्त्री है उसके साथ ये चीज देखने को नहीं मिलती, वो तत्काल ही तैयार हो जाती है। भाई उसको टाइम नहीं लगता, ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह बताइए। भाई ये जो नियम है इसी के ऊपर तो ये दुनिया भर के वेश्याघर चल रहे हैं। कितने मर्दों का भला हो रहा है, हर किसी की किस्मत में तो ये शादी नसीब नहीं होती है ना उन्हें। और जिनकी सही टाइम पे शादी हो भी जाती है तो उनको वो पूर्ण संतुष्टि उससे मिल रही है नहीं मिल रही है, उनकी शादी आगे चलेगी नहीं चलेगी, इसकी गारंटी कोई ले सकता है क्या? तो कितने मर्दों का भला हो रहा है आप खुद ही सोच सकते हैं। ये जो दुनिया भर में सेक्स को लेके भुखमरी छाई हुई है, इसे भी तो कंट्रोल इस नियम ने ही कर रखा है, आप चाहे इस बात को माने या ना माने। अब जो आपका सवाल है, जो कि जायज है, ऐसा पूछना कि किसी पुरुष को इतना टाइम क्यों लगता है सेकंड राउंड के लिए रेडी होने के लिए, वहीं जो एक स्त्री है वो इमीडिएट तैयार हो जाती है, तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण, इसके पीछे की वजह बताइए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, साइंटिफिक वे में भी इसे एक्सप्लेन करूंगी, और कुदरत ने जो बनाकर भेजा है, जो सिस्टम इजाद करके भेजा है, उसके पीछे का कारण क्या है ये भी आपको बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। अभी से ना पहले मैं साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं कुदरत के निर्णय पे आऊंगी। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मेल और फीमेल की बॉडी है वो अंदर से बिल्कुल अलग है, उसकी संरचना बिल्कुल अलग है, उसके बॉडी पार्ट, उसमें होने वाली एक्टिविटी, सब चीजें अलग हैं। मेल बॉडी में अपना एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि फर्स्ट राउंड खेलने के बाद उसे सेकंड राउंड के लिए खुद को तैयार होने में फिजिकली टाइम लगता है, और वो मेल टू मेल वैरी करता है कि किसी को 5 मिनट लग सकते हैं, किसी को 10 मिनट लग सकते हैं, किसी को 15 मिनट लग सकते हैं, और हो सकते हैं कि किसी मेल को पूरा दिन ही निकल जाए, वो अगले दिन 24 घंटे के बाद ही सेकंड राउंड के लिए तैयार हो, जो कि उसका फर्स्ट राउंड ही कहलाएगा, वो हुआ ही नहीं रेडी। तो ये भी काफी हद तक पॉसिबल है, कुछ लोगों के साथ ये चीजें देखी जाती हैं। और ये जो टाइम वैरी करता है कि कोई 5 मिनट में तैयार हो, कोई 10 मिनट में, कोई 24 घंटे ले रहा है, ये डिपेंड करता है उसके फिजिकल स्टेटस पे, उसके हार्मोनल स्टेटस पे, उसके मेंटल स्टेटस पे, उसके आसपास का माहौल कैसा, उसका खुद का मूड कैसा है, वो मन से तैयार है भी सेकंड राउंड के लिए या नहीं। एक मेल बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, उसका जो फंक्शन करने का तरीका, उसकी जो एक्टिविटीज है, वो इसी तरीके से डिजाइन की गई है। ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसे किसी फीमेल को हर महीने ब्लीडिंग होती है, उसको पीरियड आते हैं, वो जो गंदा ब्लड होता है अपने आप उसकी बॉडी में से ड्रेन आउट होता है। तो कोई बहस का मुद्दा हुआ क्या? एक फीमेल की बॉडी जो है वो इस तरीके से फंक्शन करती है, उसको पीरियड आने ही आने हैं। सेम इसी तरह से एक जो मेल बॉडी है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है और वो होगा, इसी तरीके से उसका फंक्शन डिजाइन किया गया है। एक फीमेल बॉडी के पास वजाइना होगी तो एक मेल बॉडी में पीनस पाया जाएगा, और जब दोनों की बॉडी के पार्ट जो है वो अलग हैं तो फंक्शन भी अलग अलग तरीके से करेंगे। ये जो अंतर दोनों की बॉडी पार्ट में देखने को मिलता है, उनके फंक्शन में देखने को मिलता है, उनके सेक्स के दौरान उनका जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है, इसी से ही पता लगता है ये मेल और ये फीमेल है। अब कुदरत ने देखो क्या करिश्मा किया है, जब उसने स्त्री और पुरुष को धरती पर उतारा तो दोनों को ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव दिया, दोनों की जो प्रकृति है उसमें डिफरेंस पाया जाता है कि एक जो पुरुष है वो पहले संभोग के बाद स्त्री को झटक कर सोना चाहेगा, वहीं जो एक स्त्री है वो संभोग के बाद उसके मुंह से दो शब्द सुनने के लिए आतुर रहती है जो वो कभी बोलेगा नहीं, और यही चीज उसको ठगा हुआ सा महसूस कराती है, छला हुआ सा महसूस कराती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो इस बात को समझ नहीं पाती कि ये वो गुण लेकर पैदा हुआ है, उसकी ये प्रकृति है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा, उसका स्वभाव है। एक पुरुष जो है वो युद्ध के बाद तुरंत प्रेम के लिए ललायित हो सकता है, लेकिन वो एक बार प्रेम करने के बाद तत्पर दूसरे प्रेम के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, ये उसकी प्रकृति है, वो सोना चाहेगा, खासकर तब जब वो पूरी तरह से संतुष्ट है, उसको अपना ऑर्गेजम मिल चुका है। अपने पूरे जीवन काल में ना, खासकर अपनी सेक्स लाइफ में शिकारी की भूमिका ही निभाता है, चाहे फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड का शिकार करे या अपनी वाइफ का शिकार करे, उसे शिकार करना, पेट भरना, सो जाना है। ये नेचर पुरुष को बदलनी होगी अपनी, ये जरूरी है। एक स्त्री भी तो खुद में कितने बदलाव लेकर आती है, अपने पुरुष के लिए वो भी चीजें करती है जो उसे करने का मन नहीं होता। तो क्या एक आदमी बस अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता यार? ठीक है 10 मिनट बाद सो जाना, कम से कम उसे ठगा हुआ छला हुआ तो महसूस ना हो।
उसको भरपूर प्रेम चाहिए, क्योंकि एक जो स्त्री होती है वो सेक्स करने के बाद भी सेक्सुअली एक्टिव रहती है, उसको तृप्ति लेट मिलती है, और ये ऊपर वाले का वरदान है उसको। एक स्त्री को पुरुष को भी सेटिस्फाइड करना होता है और खुद भी मल्टीपल ऑर्गेजम वो महसूस कर सके, ये उसको वरदान है। लेकिन वो महसूस कौन कराएगा? वो पुरुष जो सेटिस्फाइड हो रहा उससे, भोग रहा उसके शरीर को, और उसकी संतुष्टि इसी चीज में है, फोर प्ले में और आफ्टर प्ले में। उस इन आउट में उसको इतनी संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ जरूरी है वो भी, लेकिन वो इतनी उसको संतुष्टि नहीं दे पाता जितना उसे आलिंगन दे पाता है, वो स्नेह दे पाता है। तो एक जो फीमेल बॉडी है, तो एक जो फीमेल बॉडी है वो आंतरिक तौर पर साइंटिफिक वे में भी किसी पुरुष से कहीं ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, और आध्यात्मिक रूप से भी वो शक्ति का तो प्रतीक है ही। तो उसको सेटिस्फाइड करना, उसको संतुष्ट करना अपने आप एक चैलेंजिंग टास्क होता है। पुरुष को अपने आप को बदलना होगा। सेकंड राउंड नहीं करना, मत करो, लेकिन सो मत उसको भरपूर वो संतुष्टि, वो आलिंगन फर्स्ट राउंड के बाद भी। तो पलट कर मुंह करके उधर मत सो जाओ, बस उसे वही चाहिए। वो अपना 10 मिनट का खेल खेलेगा और 10 मिनट भी उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। फिर वो उस साथी से भी बोर हो जाएगा और दूसरा साथी ढूंढेगा। आजकल तो ये बदलाव 2 लोगों में 6 महीने के बाद ही देखने को मिल जाता है। भाई अगर होल में गोल ही ढूंढोगे तो संतुष्टि कहाँ से मिलेगी? अगर पूर्ण संतुष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 लोग मिलकर एक दूसरे के नेचर को समझकर, स्वभाव को समझकर जब संभोग करोगे तो आपको उसी सेम पार्टनर से संतुष्टि मिल जाएगी। उसके लिए आपको 50 पार्टनर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, लोग एक दूसरे के शरीर से बोर होकर दूसरा शरीर ढूंढने लग जाते हैं, फिर उस दूसरे शरीर के साथ वही काम करते हैं जो पहले वाले शरीर के साथ कर रहे थे, फिर वो उससे भी बोर हो जाते हैं, फिर तीसरा शरीर तलाशते हैं। उनकी ये तलाश जिंदगी भर चलती रहती है जब तक शरीर साथ दे रहा और 2 पैसे हैं एक्स्ट्रा उड़ाने के लिए, क्योंकि वो होल में गोल ही ढूंढते आ रहे हैं ना, वो मजा ही ढूंढ रहे हैं, संतुष्टि के ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे, तो संतुष्टि मिलेगी कहाँ से? तो मैं यही कहूंगी कि जो संतुष्टि है वो 2 लोगों को एक दूसरे में ही मिल जाएगी। अगर कंपैटिबिलिटी इशू ज्यादा नहीं है, अगर डिफरेंस 10 और 20 का है तो नहीं, लेकिन अगर 19 20 का, 18 20 का डिफरेंस है, तो आपको जो संतुष्टि है वो एक दूसरे के अंदर ही मिल जाएगी। बस आपको एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे को समझकर, प्रकृति समझकर आपको संभोग करने की आवश्यकता है। और इसके लिए किसी पुरुष को अपने अंदर, खुद के अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि स्त्री भी तो बदलती है ना खुद को। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी कि किसी स्त्री को टाइम क्यों नहीं लगता और किसी पुरुष को दूसरे राउंड के लिए टाइम क्यों लगता है। तो साइंटिफिक कारण और कुदरत ने जो कारण बना के भेजे, दोनों ही आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।